नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट एवरीडे चैनल पे आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक ऐसा सेक्टर जिसने पिछले एक सालों में 50-60% रिटर्न दिया है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ फार्मा फंड के बारे में, फार्मा सेक्टर के बारे में। एक प्रकार से सेक्टोरियल फंड अगर अपन कहें तो एक सेक्टोरियल फंड है। सेक्टोरियल फंड से मतलब है कि ये पर्टिकुलर पूरा पैसा एक पर्टिकुलर सेक्टर में सबसे ज्यादा डालता है। कहने का मतलब है कि अपन पैसा दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा पैसा उस सेक्टर की कंपनी में जाएगा। तो अपन बात कर रहे हैं फार्मा सेक्टर की। और देखिए, फार्मा सेक्टर आपको पता है कि कितना ज्यादा वो है। ज्यादा से मतलब है कि ऐसा है कि हर समय चलेगा। अगर अपन कोरोना की बात करें तो कोरोना के टाइम पे भी बहुत तेजी से चल रहा था। इस कारण मैंने ये टॉपिक उठाया हूं। रिटर्न भी काफी अच्छे दिए, इसके बारे में अपन बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि फार्मा फंड है। फार्मा फंड देखिए, COVID-19 के टाइम भी अगर आप देखोगे तो हर सेक्टर ठंडा पड़ गया था। सिवाय इसके हर चीज तबाह तरीके की हो गई थी, सब बंद पड़ गया था, लेकिन फार्मा सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रोथ पर था उस टाइम पर। मतलब आप इस बात से समझ पा रहे हो कि अगर कैसी कभी पेंडेमिक की सिचुएशन आती है और ऐसा कोई वायरस जैसे कुछ भी ऐसा आता है तो मेडिकल फील्ड कभी नहीं रुकने वाला है। मेडिकल फील्ड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसी के बाद अगर अपन इसके बात करें कि अगर देखिए अपन नॉर्मल इन्फ्लेशन की बात करें, जो महंगाई दर रहती है 6-6.5-7% के आसपास रहती है हर चीज की महंगाई हर साल की बात करें, भारत की तो अभी इतनी है। और अगर इतना तो रहता है, लेकिन अगर अपन महंगाई अगर शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, देखिए एजुकेशन में इसकी महंगाई चल जाती है 10-12%। अगर अपन अभी एवरेज निकाले तो 12% के आसपास महंगाई है। इसका मतलब यह है कि इस साल अगर आपको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए 10,000 रुपए लग रहे हैं तो अगले साल वही 11,400 रुपए ज्यादा लगेंगे आपको। मतलब कि टोटल मिलाकर 10,000 की जगह 11,400 रुपए लग जाएंगे, 200 रुपए लग जाएंगे, ऐसा आपको बढ़ते हुए मिलेगा। ऐसे ही देखिए, फार्मा सेक्टर में यही महंगाई हर साल 14% से बढ़ रही है। मान के चलिए कि अगर आप इस साल कोई आपने इलाज कराया, इस साल इलाज कराने में आपको 1,00,000 रुपए खर्चा हुआ, तो ठीक, अगर यही इलाज अगर आप एक साल बाद कराओगे तो इसी चीज को कराने के लिए आपको 1,14,000 रुपए देना पड़ेगा। तो देखिए, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इस चीज में भी बहुत तेजी से बढ़ रही। तो अगर अपन इस कंपनी की देखें तो इस कंपनी में भी इसी कारण ग्रोथ आ गई है, बढ़ रही है। अगर हम इसी की बात करें तो पिछले एक सालों में फार्मा फंड ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए, 50-60% रिटर्न दिए। और 50-60% रिटर्न बहुत होता है। किसी ने पिछले एक सालों में पैसा डाला होगा तो वो पैसा दो गुना तो नहीं, मतलब कि 1,00,000 से 1.5 लाख रुपए हो गया है सिर्फ एक साल में। और इतने अच्छे रिटर्न कहीं आपको देखने को नहीं मिलते। इसी के साथ साथ अपन बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो देखिए आपको पता है कि फार्मा कंपनी कितनी ज्यादा जरूरी है, हेल्थ सेक्टर कितना ज्यादा जरूरी है। इंसान इसके बगैर जिंदा रह ही नहीं सकता। और अभी COVID-19 के टाइम अगर आपने देख लिया, अगर मेडिकल फील्ड नहीं रहती तो हो सकता है आज अपन यहाँ जिंदा खड़े नहीं रहते, क्योंकि इन्हें ने अपन को बचाया है। और इसी के साथ साथ देखिए, एक बहुत सही चीज जो अपने लिए अच्छी नहीं है लेकिन इन कंपनियों के लिए अच्छी है। अब कैसे, देखिए आज के टाइम पर अपन बहुत सारी चीज यूरिया का खा रहे हैं, ऐसा अपनी खान पान रूटीन ऐसी बन चुकी है कि अपन ना चाहते हुए भी बीमार पड़ रहे हैं। और देखिए, अपन जितना ज्यादा बीमार पड़ेंगे उतनी ज्यादा मेडिसिंस खाएंगे और हॉस्पिटल जाएंगे, सीधी सी बात है, तो उन कंपनी को फायदा होगा ही। तो इस तरीके से ये चीज है। लेकिन देखिए, ये एक प्रकार का सेक्टोरियल फंड है और सेक्टोरियल फंड में रिस्क ज्यादा होता है। रिस्क ज्यादा से मतलब है कि आपका पैसा पर्टिकुलर एक सेक्टर में जा रहा है और सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो बहुत ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में फार्मा सेक्टर में ग्रोथ आएगी ही, क्योंकि भारत की जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे खान पान लोगों का बिगड़ रहा है, तो इस चीज में, और ये मौसम भी ऐसा हो रहा है, मतलब इस चीज से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है इन कंपनियों को। लेकिन देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट वही करनी है जो ऐसा पैसा आपको इन्वेस्ट करना है जो आपको तुरंत में जरूरत ना हो, आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल तक आप उसे रख सकते हो। ऐसे ही पैसों को इन्वेस्ट करिएगा, ऐसा पैसा बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिएगा जिनको आने वाले 1-2 सालों में आपको लगने वाला है। ऐसा पैसा आप बैंक की FD में रख सकते हैं, लंबे समय तक टिकने के लिए ही आप इसमें इन्वेस्ट करिए। अब देखिए, आखिरकार कौन से फंड है इसके बारे में अपन जानते हैं। देखिए, ये है कुछ म्यूचुअल फंड जिसने पिछले एक सालों में और 5 सालों में काफी अच्छे रिटर्न दिए। चलिए अपन इन्हें देखते हैं। देखिए, इस फील्ड में, मतलब कि इस पूरे फंड में सबसे पहला फंड आता है ICICI प्रोडेंशियल फार्मा फंड। अगर इसके एक साल के रिटर्न की बात करें, देखिए पूरा 60% और 60% कम नहीं होता है, 60% बहुत ज्यादा होता है। और अगर इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें, देखिए 5 सालों का रिटर्न है इसका 25.5% और 60%, मतलब कि काफी अच्छे अपन को रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ दूसरे फंड की बात करें तो आदित्य बिरला
का एक फंड है जो हेल्थ केयर में है, पिछले एक साल का रिटर्न 58% है, 5 साल इसको पूरे हुए नहीं है, इस कारण मैंने कुछ नहीं लिखा हूं। तीसरा फंड आता है SBI हेल्थ केयर फंड, एक साल में इसने रिटर्न दिए है देखिए 57.6% और 5 साल के 25% के आसपास रिटर्न है, पॉइंट में कुछ रिटर्न हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम चौथे फंड की बात करें तो निपॉन इंडिया फार्मा फंड है एक, जिसने पिछले एक साल में रिटर्न दिया है 57.5% और अगर 5 साल की बात करें तो 24% इसका रिटर्न है एनुअलाइज 5 सालों का। अगर पांचवें फंड की बात करें तो टाटा इंडिया फार्मा फंड, और इसके एक साल के रिटर्न की बात करें तो 53.71% और अगर इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 24.02%। कहने का मतलब है 24-25% बहुत अच्छे रिटर्न दिए फार्मा सेक्टर के सारे फंड ने। लेकिन देखिए सिर्फ रिटर्न देखकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और ये जो भी पूरे ऐसे फंड है इसे एग्रेसिव प्रोफाइल वाले लोग ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का सेक्टोरियल फंड है और आपको सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने पोर्टफोलियो का पूरा हिस्सा सेक्टोरियल फंड में ना लगाएं, एक पर्टिकुलर हिस्सा इसमें अलॉट करें और उसमें इन्वेस्टमेंट करें और सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि देखिए कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। और पैसे वही इन्वेस्ट करें जिनकी आपको तुरंत में जरूरत ना हो, लंबे समय तक आप उसे होल्ड कर पाए और लंबे समय तक रख पाए, और ऐसे ही पैसा इन्वेस्ट करिए। वीडियो बहुत पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसा वैल्यूएबल कॉन्टेंट आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।